को रास्ते में पड़ा हुआ एक बटवा मिला। बटवे में बहुत से पैसे थे जिन्हें देख के चोर खुश हो गया। अचानक उसकी नजर बटवे में मौजूद एक कागज पर पड़ी। कागज पर एक पता और साथ ही एक दुआ लिखी हुई थी। चोर ने कुछ सोचा और फिर वो बटवा लेकर चला गया। अगले दिन वो कागज पर लिखे हुए पते पर पहुंचा। उसने बटवे के मालिक को उसका बटवा वापस कर दिया। बटवे के मालिक ने बटवा चेक करने के बाद चोर से कहा, बटवे में काफी रकम थी, तुम चाहते तो रख सकते थे, फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? चोर ने जवाब दिया, आपने बटवे में जो दुआ लिख कर रखी है वो उस अकीदे के साथ रखी होगी कि अगर आपका बटवा खो जाए तो इस दुआ की बरकत से वापस मिल जाए। मैं सिर्फ मालो दौलत चोरी करता हूं, किसी का ईमान और अकीदा नहीं। मैं अगर ये बटवा वापस ना करता तो आपका अकीदा कमजोर पड़ जाता। ऐसी सूरत में आपके अकीदे का चोर होता। किसी का अकीदा या ईमान चुराना मालो दौलत चुराने से हजार गुना बड़ा गुनाह है।